दोस्तों, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है जिन्होंने अपना नया नया मेडिकल स्टोर शुरू किया है या फिर इस बिज़नेस में आए अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। ऐसे समय में जो नए लोग होते हैं उनसे गलती हो जाती है, बहुत जाने अनजाने में लोग समझ नहीं पाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, तो उनसे ये स्टार्टिंग में गलतियाँ हो जाती हैं। तो ये गलतियाँ आपसे ना हों इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब आप एक मेडिकल स्टोर चला रहे हैं तो आपका जो आय का स्रोत होता है वो होता है आपकी जो सेल हुई है, और सेल में जो आपकी प्रॉफिट हुई है, मतलब आपने कोई सामान 70 रुपये में ख़रीदा, आपने उसे 100 रुपये में बेचा, तो आपको जो मिला वो 100 रुपये नहीं मिला, आपको जो मिला वो 30 रुपये मिला। और इस 30 रुपये के साथ में हम कंप्रोमाइज़ ना करें, ये चीज़ हमें सीखने की आवश्यकता होती है। दरअसल कभी अभी क्या होता है कि ऐसे स्थिति में लोग भावुक होकर के अपने क्लोज लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने बहुत सारे नज़दीकी जो जिसको वो मानते हैं उनसे ये एक ऐसी चीज़ डिस्क्लोज कर देते हैं जो बिज़नेस के लिए सही नहीं है, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं। वो क्या करते हैं कि अपने मार्जिन को अपने क्लोज लोगों से बता देते हैं, वो बोल देते हैं भैया हमने 70 रुपये में ख़रीदा था, आप हमें जो देना हो दे दीजिए, या फिर आप हमें 75 दे दीजिए, आप हमें 80 दे दीजिए। तो आपको ये गलती कभी भी भूल कर भी नहीं करनी है, आपको कभी भी अपना मार्जिन किसी को नहीं बताना है, आपको कभी भी आपने कौन सी दवा कितने में ख़रीदी कभी भी नहीं बताना है। हाँ, मैं मानता हूँ, मैं समझता हूँ, भावनाएं समझता हूँ, फीलिंग समझता हूँ कि कुछ लोग आपके बहुत ज़्यादा खास होते हैं, कुछ लोग बहुत आपके बहुत क्लोज होते हैं, आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, आप उनको जो है अपनी तरफ से रियायत करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनको 5% 10% 11% डिस्काउंट दे दीजिए। MRP से 5% डिस्काउंट देने से क्या होगा कि वो भी ऐसा फील करेंगे कि हाँ आपने उनके लिए कुछ किया है, और आपको भी लगे कि हाँ सही है। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे कि आप उनको बता देंगे कि भैया मुझे कितने रुपये दवा मिली थी, आप मुझे इतनी दे देंगे, तो ये क्या होगा कि अगली बार से आप उनको नहीं बताएंगे तो उनके दिमाग में चल जाएगा कि इन्होंने मुझसे ज़्यादा पैसे ले लिया है। तो इस तरीके से आपका और उनका रिलेशन भी ख़राब हो जाएगा और आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा नहीं रहेगा। तो करना क्या है, आप कभी भी किसी के साथ में भी ये ना बताएं कि आपने इस दवा को कितने में ख़रीदा है या कितने में आपको पड़ी है। आप सिर्फ उनको डिस्काउंट करें, फ्लैट डिस्काउंट करें, 5% 10% 11% जो भी आप करना चाहें, जो आपके बिज़नेस के हिसाब से भी सही रहे और आपके रिश्ते को भी बन करके चलता रहे। ऐसा करेंगे तो आगे चल करके जब आप डिस्काउंट देने में असफल रहेंगे, क्योंकि दवाइयाँ अलग अलग होती हैं, कुछ दवाइयाँ जेनरिक होती हैं, कुछ दवाइयाँ ब्रांडेड होती हैं, कुछ दवाइयाँ सर्जिकल आइटम होते हैं, सब में समान रूप से मार्जिन नहीं होता है। तो आप जब अगली बार से जब आपका दिमाग खुलेगा, आप डिस्काउंट देना बंद करेंगे या कम करेंगे या सोचेंगे इसमें कम डिस्काउंट है, कम जो है मार्जिन मिल रहा है आपको, तो वो अगला बना सोचेगा कि पिछले बार इन्होंने 50 रुपये छोड़ दिए थे, 60 रुपये छोड़ दिए थे, इस बार इन्होंने सिर्फ 20 रुपये छोड़े, मतलब कुछ गड़बड़ है। तो वो आपसे हटना शुरू हो जाएंगे, आपका उनका संबंध खराब हो जाएगा और आपके लिए नुकसान पड़ेगा। तो आप दोनों तरफ से घाटे में जाएंगे, आप बिजनेस के रूप में घुसेंगे और आपका रिश्ता भी खराब होगा। ऐसा ना होने पाए इसलिए कभी भी किसी से भी ये शेयर ना करें कि आपने कौन सी दवा कितने रुपए में खरीदी है। एक चीज़ बतानी है कि अगर आप भी क्रिकेट के फ़ैन हैं, क्रिकेट देखते हैं, समझते हैं, तो मेरा एक चैनल है, इसका नाम है शिवनीता क्रिकेट, इस पर मैं क्रिकेट की वीडियो बनाता रहता हूं, आप उस पर भी विजिट करें, मुझे यकीन है कि वो चैनल भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। हालांकि इस चैनल में मैं कोई फर्जी वाला काम नहीं करता हूं कि सूर्य कुमार यादव ने किया, स्मृति मंदाना को, प्रेम, या फिर अनाप शनाप थंबनेल लगा करके मैं लोगों को अटैक नहीं करता हूँ, उसमें आप जेन्युइन और एथिकल चीज़ें ही पाएंगे, एक अच्छा क्रिकेट डिस्कशन पाएंगे, अच्छी क्रिकेट स्टोरीज पाएंगे। अगर आप क्रिकेट के शौकीन तो आप उस चैनल पर जाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। फिलहाल अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।